यस क्लास, वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन। हाउ आर यू ऑल, कैसे हो सब लोग? जल्दी से जुड़ जाइए। मैं पहली बात तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट भी देख रहा हूँ, आज कुछ ज्यादा ही बच्चे जुड़ चुके हैं मेरे लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद। कई बच्चे मेरे जानकार भी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि उन लोग ने पहले से ही एक तरीके से समा बांध दिया है। और सही में ये होना था उसका रीजन जो आज लेक्चर में आप सीखने जा रहे हैं आर्टिकल्स के, इसके साथ साथ जो आप स्पॉटिंग द एरर्स सीखेंगे आज के लेक्चर में, तो शायद फिर वो आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी कोई किताब उठाने की या किसी कोचिंग तक दौड़ने की। समझ गए, वही लेक्चर आप बार बार रिपीट करके देख लेंगे, आपके लिए वही काफी होगा। बोर्ड पे शायद आप एक चीज ये देख रहे हैं कि मैंने बोर्ड को दो भाग में बांट दिया है। आर्टिकल्स में ही मैंने एक तरफ लिखा है आ और एक तरफ लिखा है एन। तो मेरे बच्चों, अभी आप लोगों को केवल बोर्ड पे कुछ चीजें देखनी है। मैं खुद ही आपको जब पीडीएफ डिस्प्ले करूंगा कि कहूंगा कि आप सही ऑप्शन टिक करिए, तब आप एक्टिव हो जाइएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? ध्यान दीजिए, मैंने क्यों लिखा है ये अ और एन। अभी तक इतने लेक्चर में आप ये तो समझ गए होंगे दैट अ लगता है साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट के साथ और एन लगता है साउंड ऑफ वॉवेल के साथ। मैं इससे भी आसान आपको कॉन्सेप्ट करके दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं इससे भी आपको आसान कॉन्सेप्ट करके दे रहा हूं। समझ गया ना कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आप कभी भी ये वर्ड देखें, ये देखिए क्या लिखा मैंने, यूजफुल। समझ गए, आप उसके साथ आर्टिकल आ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आर्टिकल आ लगाएंगे। आप बच्चे कहेंगे या बच्चे पूछेंगे, सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये देखिए, हमें स्कूल तक ये सिखाया गया था कि जहां वॉवेल देखो, जहां पर आप